चलिए अब सरगुजा से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ये एक युवक की मौत का मामला है जिसमें परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। बताया तो ये जा रहा है कि आदिवासी युवक की हत्या हुई है, जिसके चलते परिवार वालों ने शव लेने से इनकार किया है। सीतापुर थाना छावनी में तब्दील हो चुका है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि सरगुजा में एक पानी के टंकी के नीचे युवक दबा हुआ मिला था, इसका शव पाया गया था। इस मामले को लेकर परिवार वालों में जबरदस्त गुस्सा है और ऐसे में सीतापुर थाने में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। परिवार वालों ने क्योंकि शव लेने से इनकार कर दिया है। सरगुजा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी की टंकी के नीचे एक युवक की लाश पाई गई। इस हत्या के मामले को लेकर अब परिवार जो है काफी ज्यादा गुस्से में है। इस बीच सीतापुर थाना पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। सरगुजा से जावेद हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद, क्या है पूरा मामला, परिवार वाले शव क्यों नहीं ले रहे? जी मैं बता दूं कि पूरा मामला सीतापुर थाने का जहां है, जहां पूर्व में राजमिस्त्री की लापता होने की शिकायत कराने में परिजन पहुंचे थे सीतापुर थाने में। उनकी रिपोर्ट ना लिखने से परिजन बहुत है आक्रोश और वह आज आदिवासी संघ के साथ थाना के घेराव कर रहे हैं और बोल रहे हैं जब तक वो ठेकेदार जो है, जो मेन ठेकेदार है, उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी, जो फरार है, तब तक हम नहीं लेंगे शव को। और आदिवासी और पुलिस के बीच में झमाझम वो भी हुई है, धक्का मुक्की भी बहुत हुई है और उनका कहना साफ तौर से है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमें यहाँ से नहीं हटेंगे और उनकी गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ठेकेदार के खिलाफ। शुक्रिया जावेद जानकारी के लिए। तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है परिवार वालों के द्वारा। बता दें आपको कि युवक की मौत पानी की टंकी के नीचे दबकर हुई थी। इस मामले में परिवार वालों ने हत्या को लेकर ठेकेदार की गिरफ्तारी की मांग की है।